मीडिया की आजादी से पाबंदी मुकम्मल तौर पर जिहड़ियां हुण वालियां समें दियां सरकारां उन्होंने ला दित्ती है, पर इहदे विच कोई जिहड़े कसूरवार है वह मीडिया के साथी ही कसूरवार ने काफ़ी, क्योंकि जिहड़ा मीडिया है वह चौथा थंब मन्निया गया है कि वह एक जायज़ खबर एक तसली बख्श खबर देगा जिहड़ी जनता दे कोले पहुंचेगी जो सच होएगा। पिछले समय दरम्यान की होया, लोगों को लग्या कि कुछ अमीर घराने जिहड़े पॉलिटिशन सीगे उन्होंने आपदे चैनल बना ले, आपदे दोस्तों के चैनल बना ले ते उहदे राहीं उन्हां नूं आपदी गल रखनी शुरू करती। ये चंगे बंदे दी जिवें कि सपोज कोई भी बंदा है उहदी चंगी गल भी नहीं विखाउणगे ते आपदी माड़ी गल भी उन्हूं चार चार वारी उच्ची उच्ची बोल के सुनाउणगे। यानी कि जे 100 वारी झूठ बोलिया जाएगा तो झूठ नूं सच च बदल दा काम साडे जिहड़े कमर्शियल मीडिया हाउसिस ने उन्होंने किया। कमर्शियल मतलब जिहड़े केवल सरकार दे मुताबिक चलते ने, सरकार दे मुताबिक चाहे वह दिल्ली की है चाहे पंजाब की है चाहे हरियाणे की है व्हाट्सएवर। सो जो ये काम कमर्शियलाइज्ड हो गया तो फिर सरकार ने भी यह तरीका अपना लिया, सरकार पैसे दिनी है तो उन्होंने तो कमर्शियलाइज काम करवानी है, जिहड़ी खबर जी करता वह विखानी है जिहड़ी जी करता नहीं विखानी। कुछ चंद लोग जेडे अपनी आवाज बुलंद करना चाहते सन जां तां उन्होंने खरीद लिया गया ते जां उन्होंने दबाने की कोशिश की, पर दबाने वाले बहुत घट रह गए ने, दबन वाले जिहड़े लोग, अदरवाइज तो बहुत लोग सरेंडर हो गए ने काफ़ी लोग। सो उरा ही नतीजा है, अज मैं समझदा है उरा ही नतीजा है कि आ जो हालात हो रहे ने खास करके पंजाब की अगर मैं गल करा तो मेरे को जानकारी जो मिली है वो ये है कि लाइक हिंदुस्तान टाइम्स, पंजाबी ट्रिब्यून, न्यूज 18, हाँ हिंदुस्तान टाइम, पंजाबी ट्रिब्यून, इन्हों इश्तहार देने सरकार ने बंद कर दिते। क्यों? वो कह रहे ने कि ये साढ़े मुताबक नहीं चलते, इस करके इन्होंने इश्तहार बंद है। नाल ही नाल अज हुणे हुणे खबर मिली है कि न्यूज 18 है, हालांकि इहदे च कसूरवार मैं ये नहीं कहांगा कि इकली सरकार है, चैनल वाले भी कसूरवार है, क्योंकि सारा मुतलक, क्योंकि ये दोस्ती निभ नहीं सकती। तुसी सारा कुछ उन्होंने मुताबक चलाओगे तो थोड़े चैनल लोगों ने वेखने बंद कर देने, तो जिदे ही उन्होंने ये आदत पैगी भी ये सारा साढ़े मुताबक चला, जिदे तुसी उन्होंने उल्ट चलाओगे कोई खबर तो उन्होंने थोनू बैन कर देना। अज न्यूज 18 भी, हालांकि न्यूज 18 ने सरकार की वाहवा करने च हमेशा आपकी मोहरी रहे, चंगा चैनल है, बहुत चंगा चैनल है, लेकिन सरकार की बड़ी प्रशंसा करता रहा, पता नहीं हुण गड़बड़, क्योंकि समझौता तो टुटना टुटना है ना, मैं नहीं कहता किसी का कोई समझौता है। सरकार नाल तुसी चैनल वाले किवें निभ सकदे हो और लगातार किवें निभ सकदे हो जे तुसी आपदा चैनल चलाउणा है? हाँ, तुहाडा चैनल चलता रहेगा, हौली हौली वड्डी फेम हो जाएगा, लोगों के मन में उतर जाएगा कि यह चैनल बायस चैनल है, जिवें कि होर बथेरे है। मैं हमेशा पीटीसी की गल करता है, हुण अजकल पीटीसी साडियों लोगों नूं आम लोगों नूं विखाउंदा है, पर हमेशा पीटीसी ने अकाली दल की गल की, कांग्रेस नूं हमेशा निंदिया, सानू हमेशा निंदिया। कुछ होर भी ऐसे मीडिया अदारे ने जिन्होंने हमेशा बायस खबरां दे दे के एक तरफिया खबरां दे के आपदा लोगों के विचों डीफेम होए, तद ही होर नवे नवे रोज़ चैनल अगे आए। सो आज जिस तरह हुण न्यूज 18 बैन करता, अजीत दे इश्तिहार, पंजाबी ट्रिब्यून दे इश्तिहार, हिंदुस्तान दे इश्तिहार देने पाबंदी लाती है, तो मैं समझना कि ये मीडिया की आज़ादी पर कितने ना कितने रोक है, उन्होंने डराने की कोशिश हो रही है। पिछे जे चैनलों के कुछ मालकों से परचे दे दिते गए बिना गल तो, क्योंकि उन्होंने कुछ खबर दिखाई, कल भी मैं पता लग्या कार साथी ते FIR हो गई, क्यों? कहिंदे वो दिखा रहा कि जिहड़ा ऑपरेशन थिएटर दे विच टॉर्च नाल ऑपरेट किया जा रहा सी, टॉर्च दे नाल ते SMO दे कमरे दे विच कहिंदे लाइट सीगी, ते ए गल दिखाउण ते उहदे ते परचा देता। इसे तरह ही ऑन एयर, मेरे कहन दा मतलब कि सारे अदारे हौली हौली, और मैं इन्हां नूं भी बेनती करदा जिहड़े अज प्रॉपर सरकारां दे मुताबक चैनल चलते ने, गल थोड़ी भी नहीं चलनी,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਸ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਕ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਫ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚਲਾਓ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੋ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਥੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਅਗਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਨੋ ਬਾਇਸ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ 19 ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਰੇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਐਸੀ ਰੇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਮਾਮ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਗੇ, ਸੋਚਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ